सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट्रिट्रेल स्कूलिंग सिस्टम बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपके नीट फुल टेक्स जो मॉक टेस्ट पेपर है नाइन उसके जोलॉजी का सेक्शन बी डिस्कस करना है सो लेट्स स्टार्ट सो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपके सेक्शन ए जोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें लास्ट में एक दो क्वेश्चन रह गया था यहाँ पर सेक्शन बी जो है आपका दिया गया तो एट्टी वन एटी फोर्थ एंड वन एटी फिफ्थ भी जो होगा बच्चे वो सेक्शन ए में आएगा सेक्शन ए आपका यहाँ बी यहाँ से स्टार्ट होगा ठीक है यहाँ सेक्शन बी स्टार्ट होना है इसका आंसर देख लेते हैं मैंने डिस्कस किया था तो वन एटी फोर्थ का जो आंसर है वो वन है डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया है और अगर आप बात करें विच आर द फॉलोइंग सेल इज़ एब्सेंट इन एर कनेक्टेड टिश्यू तो उसका आंसर जो है बच्चे प्लाज्मा सेल है ऑप्शन थ्री इज दी राइट आंसर ठीक है? अब अगर सेक्शन बी की बात करें तो पहला क्वेश्चन दे रहा है मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो बच्चे जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कॉपलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब जो फोरलिम्ब होगा है ना यहां पर क्या होता है कॉपलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं ठीक है दॉपलेटरी पैड राइट और वोकल सैक प्रेजेंट होगा मेल फ्रॉग सिर्फ जो मेल फ्रॉक्स होते हैं बच्चे उन्हीं के अंदर जो है वोकल सैक प्रेजेंट होगा वो आवाज नहीं जो आप देखते हैं ना आवाज़ निकालते हैं मेंढक वो सिर्फ मेल फ्रॉग कर सकते हैं तो ऑप्शन वन इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पी क्यू आर आर द थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप बच्चे देख रहे हैं स्ट्रुएशन दिख रहे हैं आपको है ना मल्टी न्यूक्टेड नहीं है मल्टी न्यूक्टेड है ना तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी मल्टी न्यूक्टेड है तो ये आपका कौन सा मसल है स्केल्टर मसल है स्केल्टल मसल है ये यहाँ पे स्मूथ मसल है स्ट्रिएशन नहीं है इसके अंदर और ये यहाँ पे कार्डियक मसल है दिस इज अ कार्डियक मसल इंटर कैलरी डिस्क दिख रहा है आपको है ना स्ट्रिएशन थोड़े बहुत स्ट्रिएशन दिख रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा सही है तो पी इज स्मूथ मसल विथ लॉन्ग एंड अनब्रांच सिलेंड्रिकल ब्रांचेस पी जो है स्मूथ मसल बच्चे पी जो है स्केल्टर मसल है तो ये गलत ऑप्शन है क्यू इज स्मूथ मसल विदाउट स्ट्रिएशन यस जो क्यू है बच्चा इट इज अ स्मूथ मसल विदाउट स्ट्रिएशन पी स्केल्टर मसल विदाउट स्ट्रिएशन तो स्केल्टर मसल में बच्चे स्ट्रिएशन होते हैं ये भी ऑप्शन गलत है पी इज कार्डियक मसल विदाउट स्ट्रिएशन तो बच्चे जो आर है वो कार्डियक मसल है और पी जो है वो स्केल्टर मसल है ये भी ऑप्शन गलत है ऑप्शन टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग्स तो लंग्स कौन सा काम नहीं करता है तो ह्यूमिडिफिकेशन भी करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमोस्फेरिक एयर टू दी एलवेला ये भी काम करेगा डिफ्यूजन ऑफ ओ टू एंड सी ओ टू बच्चे जो डिफ्यूजन है ओ टू एंड सी ओ टू का दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग्स तो बेटा अगर आप ये देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बच्चे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है एक होता है कंडक्टिंग जोन कंडक्टिंग जोन जिसके अंदर जो स्टार्ट होगा नोज से और कहाँ तक जाता है ये एंड्स इन दी ब्रैंक्यूल्स ब्रैंक्यूल्स तो नोज से स्टार्ट होगा ब्रैंक्यूल में एंड हो जाएगा तो बच्चे वो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सी टू तो नहीं कर पाएगा तो कौन करता है ये ये करता है बच्चे रेस्पिरेटरी जोन It is done by respiratory zone. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन थ्री है इट इज नॉट दशन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग्स ऑप्शन थ्री नेक्स्ट देखिए पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एलविलाई एटमोस्फेरिक्ड टिश्यू विल भी तो सबसे ज्यादा जो होता है बच्चे एटमोस्फेयर होता है तो यह हमें पता है दिस इज वन फिफ्टी नाइन एलविलाई में हंड्रेड एंड फोर होगा और टिश्यूज के अंदर सबसे कम होता है क्योंकि हिमोग्लोबिन जो है वहां पर सेलोर एस्प्रेशन हो चुका होता है तो वहां पे जो है सबसे कम होगा उसका पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए एग्रेलोसाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी आर बच्चे ए ग्रेनलोसाइड्स कौन से होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं डब्ल्यू का टाइप है ग्रेनलोसाइट्स एंड ए ग्रेनलोसाइट्स उसमें जो लिम्फोसाइट्स होगा जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज लिम्फोसाइड नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ फिल्ट्रेट इन दी प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्रिब्यूल एक्म्प्लिशेज वॉट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है बच्चे ये मेंटेन करके रखता है कॉन्स्टेंट पी एच इन दी बॉडी फ्लूड्स तो मैंटेनिंग दी पी एच कॉन्स्टेंट पी एच होना चाहिए राइट ऑस्मो रेगुलेशन की बात आती है ऑप्शन थ्री जी राइट आंसर सेलेक्ट द इन करेक्ट मैच की अगर बात करें तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट मोन इट इज द करेक्ट वन क्लैविकल में दिया गया है एक्रोमाइन प्रोसेस क्लैविकल जो बच्चे एक््रोमाइन प्रोसेस नहीं होता है तो यहां पे दिस वन इज द इनकरेक्ट मैच बाकी ह्यूमरस ग्लैंड कैविटी इज़ ट्रू। गर्डल फोर बोन्स बिल्कुल ठीक बात है टू क्लैविकल प्लस टू स्कैपुला है ना तो ये भी ठीक है तो ऑप्शन जो है टू इज द इनकरेक्ट मैच ऑप्शन टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन मीन्स मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन हो और एक एग्जॉन हो तो न्यूरो विथ मैनी डेंड्रॉन एंड वन एग्जॉन इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरोन नेक्स्ट हैच इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन प्रोड्यूस करता है बच्चे तो पार्ट्स इंटरमीडिया करेगा पार्ट्स इंटरमीडिया ऑफ एडिनो हाइफोफाइसिस और विच इज अ पार्ट ऑफ किसका है ये एडिनो हाइपोफाइसिस का है इंटीरियर एंटीरियर पेट्री का पार्ट है यह right? राइट तो यहां पे ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन वन इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय प्लेसेंटा किसकी वजह से फॉर्म होता है बच्चे जब डिजिटेशन होने लग जाता है क्रियोनिक विलाई का यूट्राइन टिश्यू का इंटर डिजिटेशन होगा उसकी वजह से बच्चे जो है क्या होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाएगा सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लैक्टेशनल एमनेरिया लैक्टेशनल एमेरिया क्या होता है कि जब पार्चुलेशन होता है तो मदर जो है इंटेंसिव लैक्टेशन करती है ना उस टाइम पे जो है बच्चे फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं तो इज दी टेम्प्ररी पोस्ट नेटल इन्फर्टिलिटी वैन ए वुमेन इज नॉन नॉन-मेंस्ट्रुएटिंग एंड फुली ब्रेस्ट फेडिंग उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा होता है तो ऑप्शन टू इज दी राइट आंसर ठीक है इट इज वन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस नेचुरल बैरियर है ये किसका कॉन्ट्रासेप्शन का ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे जो सन है इस डिजीज लेकिन जो ये है ये नहीं है और इसके जो मदर एंड फादर दोनों नहीं है तो जनरेशन स्किप हो रहा है जनरेशन स्किप हो रहा है जनरेशन स्किप हो रहा है, है यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर है रिसेसिव है राइट right? और यहां पर ये यह किस तरीके से हो रहा है क्योंकि मेल से मेल है यहां पर कोई करियर का नहीं है इक्वल डिवीजन हो रहा है इक्वल फ्रीक्वेंसी है इक्वल फ्रीक्वेंसी है डिसऑर्डर की तो ये कैसा हो जाएगा ऑटोजोमल हो जाएगा तो यहां पे इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल किरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट सो ऑप्शन थ्री जो होगा बेटा आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट देखिए विच डिसऑर्डर रिलेटेड विद स्मोकिंग स्मोकिंग से लंग कैंसर भी होता है ब्रोंकाइटिस भी होगा एम्फाइसिमा भी होगा कोरोनरी हार्ट डिजीज भी होगा गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है यूनरी ब्लैडर कैंसर भी होता है ये सारी चीज़ें होंगी इससे है ना बच्चे तो बच्चे जो स्मोकिंग होता है वो कैंसर भी करता है हार्ट डिजीज़ स्ट्रोक लंग डिजीज़ डायबिटीज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पलमरी डिजीज सीओपीडी भी कराएगा विच इंक्लूड्स इम्फाइसमैन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी है है ना तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपको ये सारे सारे ऑप्शन ठीक हैं तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ए बी सी डी ई एफ जी ऑल आर कॉज्ड बाई देर्डर रिलेटेड विद द स्मोकिंग नेक्स्ट ए लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सी ओ टू बाय कौन सा बैक्टीरिया करता है बच्चे तो प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानाई जो है ये करेगा है ना शर्मानी जो है तो ऑप्शन टू इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए विच आर द फॉलोइंग ट्रांजेनिक ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्ट्स डेवलप्ड वाया आर डी एन ए रिकमेंडेडी यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा तो बच्चे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन आपके नीट का क्वेश्चन है नीट का लाइन है ये दिया हुआ सो ऑप्शन वन इज दी राइट आंसर सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द सेक्शन बी ऑफ जोलॉजी आई होप किया बेटा आप लोगों को ये सारे सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सो ऑल द बेस्ट बेटा एवरी वन गॉड ब्लेस टेक केयर थैंक यू